फैज के बादल छाए हैं फिर सिंहपुर बस्ती में। क्या आपने शायरी समझी है? वाह, क्या आप शेर समझते हैं? मैं सुनाता हूँ, समाप्त कीजिएगा। फैज के बादल छाए हैं फिर सिंहपुर बस्ती में। अगर वाकई आप एक दो शेर सुनना चाहेंगे चाहते हैं तो मतलब बता दीजिएगा, मुझे मतलब पढ़ो बता दीजिएगा, समाप्त कीजिएगा। फैज के बादल छाए हैं फिर सिंहपुर बस्ती में, फिर सिंहपुर बस्ती में। फैज के बादल छाए हैं फिर सिंहपुर बस्ती में, फैज के बादल छाए हैं फिर सिंहपुर बस्ती में। अरे हबीब मिल्लत आए हैं, हबीब मिल्लत आए हैं, हबीब मिल्लत आए हैं फिर सिंहपुर बस्ती में। हबीब मिल्लत आए हैं, हबीब मिल्लत आए हैं, हबीब मिल्लत आए हैं फिर सिंहपुर बस्ती में, फिर सिंहपुर बस्ती में। फैज के बादल छाए गए फैज के बादल छाए गए फैज के बादल छाए गए फिर सिंहपुर बस्ती में। हबीब मिल्लत आए हैं, हबीब मिल्लत आए हैं जी, हबीब मिल्लत आए हैं मेरे, हबीब मिल्लत आए हैं मेरे, हबीब मिल्लत आए हैं फिर सिंहपुर बस्ती में। हबीब मिल्लत आए हैं, हबीब मिल्लत आए हैं जी, हबीब मिल्लत आए हैं फिर सिंहपुर बस्ती में, फिर सिंहपुर बस्ती में। बहुत अच्छे, उधर भी बहुत अच्छे के भाई, सही बात है कि जो देते हैं एक बार में शब्द देते हैं बड़ा अच्छा लगता है, और आधा देके वापस जाने के बाद शेर बढ़ाना पड़ता है, इसलिए आप कोशिश कीजिए कि वक्त कम है एक ही बार में सब डाल दें। एक शेर और समाप्त कर लें, आप समाप्त कर लें। हबीब मिल्लत आए हैं फिर सिंहपुर बस्ती में, फिर सिंहपुर बस्ती में, फिर सिंहपुर बस्ती में। आला हजरत जिंदाबाद, ताज शरिया जिंदाबाद, आला हजरत जिंदाबाद, ताज शरिया जिंदाबाद, ताज शरिया जिंदाबाद, ताज शरिया जिंदाबाद, आला हजरत जिंदाबाद। हजरत जिंदाबाद, आला हजरत जिंदाबाद, ताज शरीयत जिंदाबाद, आला हजरत जिंदाबाद, ताज शरीयत जिंदाबाद। सब ये नारा लगाए हैं मिलकर, नारा लगाए हैं सब ये नारा लगाए हैं फिर सिंहपुर बस्ती में, फिर सिंहपुर बस्ती में, फिर सिंहपुर बस्ती में, फिर सिंहपुर बस्ती में, फिर सिंहपुर बस्ती में। फैज के बादल छाए हैं फिर सिंहपुर बस्ती में, फिर सिंहपुर बस्ती।
बस्ती में फैज के बादल छाए हैं, वीर सिंहपुर बस्ती में हबीब मिल्लत आए हैं, वीर सिंहपुर बस्ती में, वीर सिंहपुर बस्ती में। वक्त को देखते हुए आखिरी शेर में आपके हवाले करता हूँ, क्योंकि ये उर्स आपने सजाया है बड़ी मोहब्बत से, तो मैं एक शेर और अगर शेर और मैं एक शेर और पेश कर देता हूँ, समाप्त कर लीजिए। आपने एक खूबसूरत महफिल सजाई है और हजरत की बारगाह में खराज अकीदत पेश किया है, तो तमाम कमेटी वाले और बिरसिंहपुर वालों के हवाले से एक शेर समाप्त कीजिएगा। कह दें सुबह बीर सिंहपुर बस्ती में फैज के बादल छाए हैं, बीर सिंहपुर बस्ती में कोई माने ना माने हम तो इनके दीवाने हैं, कोई माने ना माने ये तो इनके दीवाने हैं, कोई माने या ना माने ये तो इनके दीवाने हैं, हम तो इनके दीवाने हैं, सब ही इनके दीवाने हैं, कोई माने ना माने कोई माने ना माने हाँ कोई माने ना माने हम तो इनके दीवाने हैं, कोई माने ना माने हम तो इनके दीवाने हैं। उर्स सजा के बताए हैं, उर्स सजा के बताए हैं, उर्स सजा के बताए गए फिर सिंहपुर बस्ती में, फिर सिंहपुर बस्ती में उर्स सजा के बताए गए, जलसा सजा के बताए गए जी, जलसा सजा के बताए हैं फिर सिंहपुर बस्ती में, फिर सिंहपुर बस्ती में, फिर सिंहपुर बस्ती में। एक बार आप मेरे साथ पढ़ लें, फैज के बादल छाए हैं फिर सिंहपुर बस्ती में हबीब मिल्लत आए हैं, सुभान अल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आपने बंद समाप्त किए। हजरात आइए हुजूर हबीब मिल्लत की मौजूदगी में हम बारगाहे मुजाहिद मिल्लत से और करीब होने की सआदत हासिल करते हैं। मुंबई उरूसुल बिलाद के आए हुए मेहमान शायर हजरत मोहतरम फैसल रजा हशमती साहब तशरीफ ला रहे हैं। मैं बारगाहे हबीब मिल्लत में चार मिसरे पेश करूँ। किश्वरे इल्म के सुल्तान हैं, किश्वरे इल्म के सुल्तान हबीब मिल्लत, मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। किश्वरे इल्म के सुल्तान हबीबे मिल्लत, मुर्शिदे जादे इरफान हबीबे मिल्लत, गुलशने हैदर ओ जहरा का गुले तर कहिए, गौसे बगदाद का फैजान हबीबे मिल्लत, गुलशने हैदर ओ जहरा का गुले तर कहिए, गौसे बगदाद का फैजान हबीबे मिल्लत, जिस मुजाहिद को रजाने है चुना इनके नाना, सोचिए कितने हैं जीशान हबीबे मिल्लत।